हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। अपनी बात चल रही थी केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, जिसमें हम आज बात करेंगे सम यूजफुल कंपोनेंट्स इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारे रोजाना के जीवन में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, लेकिन उनके बारे में बस एक जनरल नॉलेज ही हमको पता है। आज हम कुछ केमिस्ट्री के लेवल पर या केमिकल लेवल पर उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कंपोनेंट है सोडियम क्लोराइड। फर्स्ट कंपोनेंट है सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है NaCl। एक बात जरूर आप याद रखें, यहां मैं जो भी आपको कंपोनेंट पढ़ाऊं, आपको उनको फॉर्मूला और उनको उनका प्रोडक्शन कैसे होता है ये जरूर आप याद रखें। तो देखिए, सोडियम जो क्लोराइड है इसको कॉमन साल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमन साल्ट। जो घरों में साल्ट या नमक जो यूज होता है वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। इसको बनाते कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट करवाया जाता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और प्रोडक्ट के तौर पे NaCl या फिर आपका जो सॉल्ट है या सोडियम क्लोराइड है वो बनके तैयार हो जाता है। वाटर भी बनता है, वो अलग बात है, उसके बारे में बता नहीं रहा हूं। अब जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो कैसा साल्ट होगा? न्यूट्रल। कैसा होगा? ये न्यूट्रल होगा, यानी इसकी जो पीएच है वो कितनी होगी? 7। 7 पीएच पे न्यूट्रल होता है कोई भी केमिकल हो या कोई भी आपका कंपोनेंट हो, उसकी 7 पीएच है। तो इसका मतलब है ना तो वो एसिडिक है ना बेसिक है, वो कैसा है? न्यूट्रल है वो। ठीक, तो ये न्यूट्रल होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा इसको बनाया जाता है। अगर नेचुरली मैं बात करूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बता दूंगा मैं आपको कि नेचुरली अगर मैं बताऊं तो एवेपोरेशन जो सी वाटर होता है, सॉल्टी जो वाटर होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है और सन की लाइट में या धूप में उसको एवेपोरेट करवाया जाता है, जिससे वाटर एवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट बच जाता है। लेकिन जो सी सॉल्ट होता है या नेचुरली ऑक्यूरिंग जो सॉल्ट होता है उसके अंदर पाई जाती हैं कुछ इम्प्योरिटीज़। क्या पाई जाती हैं? कुछ इम्प्योरिटीज़, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, नहीं सॉरी, सोडियम क्लोराइड तो है ही, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोरेट, CaCl2 कैल्शियम क्लोरेट हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोरेट हो सकता है, MgCl2। तो ये कुछ इम्प्योरिटीज़ पाई जा सकती हैं। इसीलिए क्या किया जाता है, ये जो सी सॉल्ट है इनको चैम्बर्स में कलेक्ट किया जाता है और इनमें फिर HCl वेपर फॉर्म में, कैसी फॉर्म में? वेपर फॉर्म में HCl को फ्लो करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? फ्लो करवाया जाता है सी सॉल्ट में, जिससे इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं और ये जो साल्ट बनके जो तैयार होता है वो परसीपिटाइज्ड साल्ट होता है, और इसी को आप कॉमन साल्ट कह सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं होती। तो ये तो कुछ कॉमन एक जनरल नॉलेज थी सोडियम क्लोराइड के बारे में, कैसे बनता है क्या है। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन भी या फिर इसकी मैं अगर रिएक्शन भी बताऊं तो पहले भी बता चुका हूं मैं कि आप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बुक में नहीं दे रखी, एक्स्ट्रा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा NaCl प्लस H2O। ऐसे इसको आप केमिकली भी ऑकर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लैब के अंदर भी बना सकते हैं। ये एक्स्ट्रा आप मान लीजिए एज ए नोट, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस होता है, सेकंड अगर मैं बात करूं तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट 1081, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 1081 केल्विन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, हाईली सॉल्यूबल इन वाटर यानी पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है, हाईली सॉल्यूबल होता है, और एक्वा सॉल्यूशन में आयोनाइज्ड हो जाता है, आयोनाइज्ड इन एक्वस
सॉल्यूशन। आयोनाइज का मतलब ये जैसे NaCl है, अगर इसको आप एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो सोडियम अलग Na प्लस आयन में और क्लोरीन Cl माइनस आयन, यानी कि अलग अलग आयन में टूट जाएगा, इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है, अब अगर इसके यूजेस की बात करें तो एक तो ये कुकिंग, खाना पकाने के काम में आता है, और फूड प्रिजर्वेशन यानी फूड को लंबे समय तक चलाए रखने के काम में आता है। कोई आपको लंबे समय तक चीज़ चलानी है, नमक डाल के रख दो, सड़ेगा गलेगा नहीं। फ्रीजिंग मिक्सर प्रिपेयर करने में काम में आता है, फ्रीजिंग मिक्सचर प्रिपेयर करने के काम में आता है। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे साल्ट हैं जिनको इसको प्रिपेयर करने के लिए सोडियम क्लोराइड की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे NaOH बनाना हो, Na2CO3 बनाना हो, NaHCO3 बनाना हो, ब्लीचिंग पाउडर बनाना हो, ये सारी चीज़ें अगर आपको बनानी है तो आपको सोडियम क्लोराइड की ज़रूरत पड़ सकती है। ये तो बात हुई सोडियम क्लोराइड की। सेकेंड हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है NaOH। इसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, कॉमन जो इसका नाम है उसको कहते हैं कॉस्टिक सोडा। आपने सुना भी होगा कास्टिक सोडा कहते हैं वैसे नॉर्मली, पर कास्टिक सोडा इसको नॉर्मली या रीजनल लैंग्वेज में कास्टिक सोडा इसको कहा जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूं तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड ये जो है इसको प्रिपेयर करते हैं कैसे, कि सोडियम क्लोराइड लिया जाता है NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड पे तो आता है आपका सोडियम आयन, यानी आयोनाइज हो जाएंगे, और कैथोड पे आ जाएगा क्लोरीन माइनस आयन। अरे उल्टा लिख दिया, सॉरी, एनोड पे आता है क्लोरीन माइनस आयन और कैथोड पे आता है सोडियम आयन पॉजिटिव आयन। ये दोनों ऐसे प्राप्त कर लिए जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑप्टेन इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, और इस तरीके से सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से एनोड पे क्लोरीन आ जाता है, कैथोड पे सोडियम आ जाता है, और जो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट उनको कहते हैं जो लिक्विड जो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही रहेगा। इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, एनोड कैथोड पे ये Na प्लस और Cl माइनस आ जाएंगे, और इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे NaOH प्राप्त कर लिया जाएगा। इसका फॉर्मूला रहेगा जैसे 2NaCl लेंगे, 2NaCl प्लस इसमें वाटर मिलाएंगे, और वाटर मिलाने के बाद इसका करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और बन जाएगा 2NaOH प्लस Cl और Na प्लस, H2 गैस बनेगी, सॉरी। इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रिपेयर कर लिया जाएगा। इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूं तो वाइट सलीक सब्सटेंस होता है। सेकंड अगर बात करें तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 591 केल्विन। इसका जो MP मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 591 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ईजीली डिजॉल्व इन वाटर, आसानी से पानी में घुल जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस है
और अगर इसको आप आयोनाइज करेंगे तो ये अपने सोडियम और OH- आयन में आयोनाइज्ड हो जाएगा, और अगर आप आयोनाइज करेंगे तो, और हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। बात करें इसके यूजेस की, तो इसके यूजेस काफ़ी हैं। एक तो ये पेपर इंडस्ट्रीज़ में, क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ में, सिल्क इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में काम में आता है, यानी कि आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल यूज़। इसके इंडस्ट्रियल यूज़ काफ़ी हैं। सेकंड अगर बात करूं तो मेटलर्जी ऑफ बॉक्साइट, यानी बॉक्साइट के शुद्धिकरण में एक तरीके से कह सकते हैं आप काम आता है। प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के प्योरिफिकेशन में काम में आता है। फैट और ऑयल फॉर्मेशन में काम में आता है, फैट एंड ऑयल फॉर्मेशन में काम में आता है। साथ ही साथ लेबोरेटरी रीएजेंट के तौर पे भी आप इसको काम में ले सकते हैं, लेबोरेटरी रीएजेंट के तौर पे आप इसको काम में ले सकते हैं। तो कुल मिला के सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको तो फॉर्मूला जो भी पढ़ा रहा हूँ, इसका फॉर्मूला, जनरल नाम, कैसे बनाया जाता है, यानी कैसे बनाया जाएगा, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा, एनोड पे Cl- आयन, नहीं कैथोड पे सोडियम आयन नहीं, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस आएगी, ये ना, ये कैथोड पे आएगी, गलती से लिख गया वो, और एनोड पे आएगा क्लोरीन आयन, और जो इसका सॉल्यूशन रहेगा जिसमें इन कैथोड, कैसे होता है ये देखिए, ऐसे करके एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का लेंगे NaCl प्लस H2O ले लेंगे, अब यहाँ पे डालेंगे एक एनोड और एक कैथोड, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखिए यहाँ एनोड पे तो आ जाएगा इसका Cl- आयन, यहाँ से Cl गया, और H2 गैस आ जाएगी, यहाँ बचेगा क्या, ये जो सॉल्यूशन जो बचा है ये रहेगा NaOH, इस तरीके से प्रिपेयर होता है। यहाँ पे वो गलती से लग गया था, हाइड्रोजन गैस आएगा कैथोड पे। तो ये है आपके, दो मैंने करा दिए हैं आज, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।